मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा। क्या है पूरी खबर सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 21 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। वहीं इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी जांच कर रही है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा है। ईडी ने अपनी दलील में बताया कि वैसे तो शराब नीति का ये फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का बताया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि एक आदमी के अलावा इसकी जानकारी किसी और को थी ही नहीं। ईडी ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए बताया कि पूरे सिंडिकेट को विजय नायर नेतृत्व कर रहा था। विजय नायर से ही के कविता ने मुलाकात की थी। इस संबंध में ईडी ने के कविता और विजय नायर के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट पेश किया है। इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।